तक अपनी दिल की बात कहना चाहता हूं। दो महीने के बाद आचार संहिता लगेगा, लोकसभा का एक सत्र समाप्त हुआ, दूसरा सत्र 31 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा। देश के 142 करोड़ लोग लगातार 3 तलाक, एनआरसी, आरक्षण, क्या कारण है? मैं यूथ से कुछ सवाल करना चाहता हूं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी आए थे उसके पहले, कभी कश्मीर में 2,64,000 रुपया की घोषणा, तो कभी झारखंड में। झारखंड को विशेष पैकेज की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई और 1,64,000 करोड़ रुपया बिहार को बदलने की तारीख तय करने वाले आरा का वो भाषण अभी तक समाप्त नहीं हुआ। मैं एक बात बहुत ही गंभीरता से करना चाहूंगा आपसे। मुझे एक सवाल बताइए, काला धन 15 लाख रुपया, स्मार्ट सिटी, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम, 2 करोड़ नौकरी, स्टार्टअप, स्किल, स्टैंडअप एंड कौशल, किसान का ऋण माफ, गंगा मैया तोरा पियरी चढ़ेगा की सफाई, 1 बार के बाद दोबारा वो चर्चा क्यों नहीं हुई? क्यों हम भूल गए स्मार्ट सिटी को? एक ईटा नहीं लगी हिंदुस्तान के किसी शहरों में। प्रधानमंत्री आदर्श गांव, एक भी गांव में एक ईटा नहीं लगी। एक करोड़ 72 लाख नौकरी 4.5 साल के अंदर चली गई। अमेरिका 89.7% कॉलेज में जाकर के यूथ दाखिला लेते हैं छात्र, और मेरे बिहार में 9.6% स्कूल से कॉलेज में जाते हैं, और कॉलेज से निकलने तक 11.2% हमारी रफ्तार बच जाती है मात्र। 42,000 करोड़ रुपया भारत के पढ़ने वाले लोग विदेश में देते हैं, 42,000 करोड़ लगभग। आश्चर्य होगा आपको, स्कूल की पढ़ाई करने वाले 9 छात्रों में से मात्र एक ही कॉलेज पहुंचता है। 2,26,000 करोड़ रुपया का निवेश जब होगा तब हम 11वीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन 4.5 साल में 11वीं योजना के लक्ष्य के लिए 77,933 रुपया ही एजुकेशन पर लगा। नेस्कॉम और मैकिन्से के शोध ने 2020 में भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी और वैज्ञानिक मानव शक्ति के जखीरा होने के बाद नौकरी पाने का योग समाप्त के बराबर है। प्रत्यान परिषद का शोध बताता है कि 70% विश्वविद्यालय इस हिंदुस्तान का सबसे निचले पोदान पर है।
पहला देश है जो औसतन हर पांचवें दसवें वर्ष में अपना पाठ्यक्रम बदलता है और मूल उद्देश्य को पूरा करने में हमेशा विफल रहता है। 50 सालों में सिर्फ 44 निजी संस्थाओं को डीम्ड विश्वविद्यालय दर्जा मिला और पिछले 16 वर्षों में 69 निजी विश्वविद्यालय को, एक भी सरकारी विश्वविद्यालय को डीम्ड का दर्जा नहीं मिला। 4.5 सालों में कभी इस पर गौर भी नहीं की गई। आश्चर्य होगा जनाब, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स कम कोर्स में दाखिला लेने के लिए 90% कट ऑफ होता है। अध्ययन बताता है कि सेकेंडरी स्कूल में अच्छे अंक लाने के दबाव से छात्र आत्महत्या सबसे ज्यादा दुनिया में भारत में करते हैं। 43,000 करोड़, पहले ही मैंने आपको कहा, 15 साल पहले मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर का ऐलान किया था, दुनिया के किसी भी समाज में सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा समाज बन जाएगा, गरीब देश शायद समाप्त हो जाए लेकिन किसी देश के समृद्धि स्तर पर आंका जाएगा तो शिक्षा सबसे ऊपर होगा। और आज दुनिया के सबसे निचले पोदान पर शिक्षा है, प्रतिस्पर्धा दूर दूर तक नहीं है। इंफोसिस के प्रमुख नारायण मूर्ति ध्यान दिलाते हुए कहा, स्पष्ट कहा है कि अमेरिका ने सेमीकंडक्टर, सूचना तकनीकी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तरक्की की है कि उसके पीछे वहां के विश्वविद्यालय में किए गए शोध का सबसे बड़ा हाथ है। आप मुझे एक बात बताएं, 15, 27 और 5 मैं आना चाहूंगा कुछ बातों पर। मैं इसका पक्षधर रहा हूं। जब मैं आसाम जाता हूं तो मुझे इस बात की चिंता होती है कि जाति, धर्म, मजहब के आधार पर नागरिकता का सवाल कैसे खड़ा हो सकता है। क्या हम इज़राइल देश से भी खतरनाक होते जा रहे हैं? मुझे आप एक बात बताएं, कहां जा रहा है हमारा देश? युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? इसी कंट्री में हम यदि किसी पढ़े लिखे मुसलमानों के घर में और दलितों के घर में प्रवेश करते हैं तो वहां पर 2 से 1 बच्चे से ज्यादा नहीं मिलता है मुझे। फिर यह मापदंड तय करना कि दलित और मुसलमान बच्चे पैदा करने का जखीरा बना हुआ है, और यह सवाल लोकसभा और राज्यसभा में उठता है, कैसा लगता है आपको? हम उन्हें 1951 के बाद कौन लोग आए, किसको नागरिकता मिलनी चाहिए, क्या इसका मूल्यांकन मजहब और जाति होगा? क्या राजनीति हो रही है? एक तरफ सुप्रीम कोर्ट जब यह बात कहता है कि भगवान के आस्थाओं में महिला और मर्द में फर्क नहीं किया जा सकता है, तो फिर केरल में बीजेपी, सुप्रीम कोर्ट के संविधान, मुझे एक बात कभी कभी समझ में नहीं आती है, आखिर संविधान के विपरीत और कानून की धज्जियां उड़ाकर हमेशा ऐसी राजनीति करके बीजेपी क्या करना चाहती है? शुरू से आप उठा के देखिए, हर वैसे सवाल को ये छेड़ते हैं जो सवाल हमारे देश की संस्कृति के लिए, सामाजिक चीजों के लिए उचित नहीं है। क्या महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत नहीं है मंदिर में? यह तय करेंगे पुजारी, कौन सा भगवान ने कह दिया? और फिर राजनीतिक पैर पसारने के लिए लगातार दंगा का प्रयास केरल में, वहां सुप्रीम कोर्ट का कानून इनके लिए सही नहीं है।
कई ऐसे कानून हैं जहां पर इनके लिए सही हो जाता है और कहीं इनके लिए गलत हो जाता है। तीन तलाक, कानून ने कुछ क्लोजर अपने चीजों में उन्होंने कहा कि मैं या हमें इजाजत नहीं देती है कि मैं इसमें इंटरफेयर करूं। और तीन तलाक आश्चर्य होगा या सवाल आ चुका है 0.6%। यदि हम दहेज में जाते हैं, यदि हम खुद अपने परिवार के बीच जाते हैं तो मुझको लगता है कि खुद पत्नी रहते हुए हम तीन चार पत्नी गैर कानूनी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। कई सारे